रजिस्ट्रेशन 37 देखो ये है एयर ड्रॉप लिमिटेड इश्यू वाली है, फॉर फीचर में है एयर ड्रॉप वंडर की कंडीशंस। तो देखो जब भी हम शेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं तो उनको करने का तरीका क्या होता है, जो भी क्वेश्चन है उसकी एक समरी बना लो, ऑलवेज मेक अ समरी ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी तुम भी समझ लो ताकि तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी आ जाए क्वेश्चंस की। समरी कैसे बनेगी, इन शॉर्ट 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और कॉल पे उन्होंने कहा बैलेंस। बैलेंस का मतलब कितना हो गया, 3 रुपए, क्योंकि 10 रुपीज में से 7 रुपीज तो हो गया, तो 3 रुपीज हुआ। फिर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 140,000 इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। अब नीचे देखो अलॉटमेंट हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में है, तो जब भी इस तरह अलग अलग कैटेगरीज में हमें अलॉटमेंट गिवन होगी तो हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी, डिस्पोजल में कैसे करेंगे पूरा ही लिख लो, यही लिख लो। जो हमारी डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी है उसमें से एप्लीकेशन में कितना जाएगा और अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट इज ऑलवेज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि कॉल में एडजस्ट करो तो ही करेंगे, अपनी मर्जी से हम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज यट टू बी मेड, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स अलॉटेड 1000 डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कॉल का कॉलम बनाएंगे। अब देखो 18,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 80 दिए, 50 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने हमें 20 दिए, और 10,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था नॉट डेड उनको हमने ले लिया। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे समरी बनाने में, लेकिन एक बार समरी बन गई तो क्वेश्चन समझ लो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जर्नल एंट्रीज तो तुम्हें रटी जाती है, सारा खेल ही अमाउंट्स का है, तो आपने वर्किंग में पहले सारा अमाउंट्स बना लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम सिर्फ क्वेश्चन जो है उसकी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड एंड अलॉटेड 4000 शेयर्स, अलॉटेड 1000 शेयर्स, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने ये दिया ये नहीं दिया और उसके शेयर्स हो गए फॉरफिट, ठीक है ना। फाइनल कॉल अभी करी ही नहीं है, ये वर्किंग नोट्स होते हैं, इनमें आप इस तरह की मार्किंग कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स का ही पार्ट है। क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो पहले वर्किंग नोट्स बनानी है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज करनी है, अब हमें बुक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सारे क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने है। अब पहले वर्किंग कर लो, 3 रुपए के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिली, 240, हमें चाहिए भी 240 थी, यानी कि डिस्पोजल में पूरा का पूरा उसका एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया,
यहाँ पे 50,000 × 3 150 चाहिए थी, और यहाँ पे 10,000 × 3 30,000 आई, राइट? इस तरह से आ रहा है। अब हमें चाहिए कितनी थी, 20 × 3 60। कितने एक्स्ट्रा है हमारे पास, 90,000 एक्स्ट्रा है। हमें चाहिए कितनी, 20 × 4 80। अभी भी 10,000 बच गए, रिफंड कर दिए। समझ में आया, अभी भी 10,000 बच गए थे ना, 90,000 थे हमारे पास, हमें चाहिए सिर्फ 80,000 थे। अब यहाँ पे तो हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किए, तो पूरे के पूरे भी हमने रिजेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे सबका टोटल, ये टोटल आ गया 140 को हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हमारे पास 4,20,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री का फिगर आ गई। ये 4,20,000 कैसे कैसे यूज हुआ, 3 लाख तो एप्लीकेशन में गया, यानी कि शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया, 80,000 अलॉटमेंट में गया, और 40,000 रिजेक्ट हो गया, यानी कि बैंक की फिगर हो गई। आपकी फटाफट से सारी फिगर्स के अमाउंट आ जाएंगे। जो पहली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी लिखा है क्या उसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो 420 से हो जाएगा। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 420 टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। सारी फिगर्स एकदम से कॉपी कर सकते हैं ना हम, यहां से हमने लिखा 3 लाख, यहां से लिखा 80,000, और ये लिखा 40,000। ठीक है, आप जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करेंगे, पूरे 1 लाख शेयर्स इनटू 4 लाख। लेकिन जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब देखो 4 लाख में से 80,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, ये तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, और जो बचे हुए हैं 1,000 शेयर्स × 4, 4,000 नॉट रिसीव्ड है। 4 लाख में से 80,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, 4,000 नॉट रिसीव्ड है, तो कितना हो गया, 320 में से और 4 माइनस कर दिया, 3,16,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 4 एंट्रीज हो गई। फाइनल कॉल के लिए उन्होंने कहा ही नहीं है, तो हम क्यों एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है फाइनल कॉल Not yet to be called, अभी तक कॉल नहीं की है, तो हम फाइनल कॉल की कोई एंट्री नहीं करेंगे। फोर्थ फीचर की बताएं। हाँ, यहाँ तक हो गई, अब फोर्थ फीचर की करेंगे, मतलब फाइनल कॉल की नहीं करनी, अब फोर्थ फीचर की करते हैं। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से करेंगे, 1,000 शेयर्स हैं, 1,000 पे 7 रुपए 7,000 मिला, कितना है, 1,000 पे 3 रुपए और 4 रुपए नहीं मिले, ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। ठीक है, फॉरफीचर में हम कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, ये एंट्री होगी कॉल्ड अप से, हमने कितना कॉल्ड अप किया है। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट एंट्री जितना कॉल्ड अप है उससे होगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उससे एंट्री करेंगे,
ये हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ये एंट्री उस अमाउंट से होगी जितना हमने रिसीव किया, अलॉटमेंट में जितना नॉट रिसीव है उससे। समझ में आई फॉरफीचर की एंट्री? क्लियर हुआ? बताओ कौन सा अमाउंट क्लियर नहीं हुआ इसमें से? फिफ्थ वाले में इक्विटी शेयर कैपिटल में फाइनल कॉल तो ड्यू ही नहीं की हमने। शेयर कैपिटल देखो क्रेडिट कितने से किया है, यहाँ पर 1 लाख इंटू 3 और यहाँ पर हमने 1 लाख इंटू 4 यानी कि 7 रुपीज से तो की है पर शेयर, ये वाले 2 अमाउंट से तो की है। तो हमने जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दिया, मतलब हमने जितने से कैपिटल रेज की थी उतने से ही कैपिटल को कम कर दिया, समझे? तो उस हिसाब से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दी। जितना अमाउंट हमने रिसीव किया उसने एप्लीकेशन मनी दी थी तो हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, जितना हमें मिला वो पॉजिटिव शेयर में गया, बाकी अलॉटमेंट में चला गया। तो मतलब उसने शेयर 3 बार अलग अलग टाइम पे अगर अलॉट वगैरह करे, नहीं अलॉट वगैरह तो एक ही बार कर दी ना, नहीं मतलब 80 को 80, 50 को 20 और 10 को एक ही बार में उसने कहा कि मेरे पास 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, मैं उसको ऐसे ऐसे अलॉट कर रही हूँ। कंपनी ने अपना बता दिया कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको हमने पूरी फुल अलॉटमेंट कर दी, ये फुल अलॉटमेंट हो गई, ये प्रोराटा हो गई और ये रिजेक्ट हो गई। इन्होंने तीनों केसेस यूज किए ओवर सब्सक्रिप्शन के। जब भी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो या तो वो रिजेक्ट करेंगे या वो फुल अलॉटमेंट देंगे या वो प्रोराटा देंगे। उन्होंने तीनों को यूज कर लिया, कुछ को उन्होंने फुल दे दिया, कुछ को प्रोराटा दे दिया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए हम टेबल बना रहे हैं। अगर वो सिंपल ये कह देते कि हमने रिजेक्ट कर दिया या सबको प्रोराटा ही करवा देते तो शायद हमें टेबल ना भी बनानी पड़ती। टेबल बनानी तब पड़ती जब हमें मल्टीपल वेज होने की है, ठीक है? समझ में आया? नोट डाउन कर लो एक बार ताकि तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आ जाए टेबल बनाने का। बैलेंस शीट में क्या करना होता है? बैलेंस शीट इसमें फॉर्मेट ऐसे बनता है जैसे कि हमने फर्स्ट में डाला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारी मेजर हेडिंग हुई, इसके आगे नीचे हमारी हेडिंग हुई शेयर होल्डर्स फंड, इसको हमने मान लो बोल दिया ए। इसके नीचे आया शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे आया रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? ये हमारे मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं बैलेंस शीट के। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आया असेट्स, हमारा जो यहाँ शेयर कैपिटल में यूज होता है वो मैक्सिमम यूज होता है करंट असेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और उनके अंदर कैश एंड बैंक, ये मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमारे शेयर्स के चैप्टर में यूज होते हैं। इसके आगे यहाँ पे हमारा आ जाता है नोट्स टू अकाउंट, जैसे कि शेयर कैपिटल का 1 और रिजर्व एंड सरप्लस का 2। नोट्स टू अकाउंट कभी भी वर्किंग नोट्स नहीं होते, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि नोट्स टू अकाउंट का मतलब हो गया वर्किंग नोट्स है। नहीं, नोट्स टू अकाउंट आपके मेन सॉल्यूशन का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, जो भी कंपोनेंट है उसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो नोट्स टू अकाउंट है। फिर हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट, नोट्स टू अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल, कैश एट बैंक हमने लिखा और ये लिखा टोटल। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है शो हाउ शेयर कैपिटल विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट,
तो आपको नीचे असेट्स वाला पोर्शन नहीं बनाना, सिर्फ ऊपर शेयर कैपिटल वाला पोर्शन ही बनाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में क्या क्या आता है, ये जो हमारा नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 है शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपका आता है ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसमें जो भी ऑथराइज्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट दिस ईच, ये आप लिखते हो और इसके नीचे एक लाइन डाल देते हो। लाइन का मतलब हो गया कि इसे हम टोटल में नहीं लेंगे। सनी तुम्हें आती है बैलेंस शीट, ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया हम मेंशन जरूर करेंगे क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हर जगह काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उसे टोटल में इंक्लूड करें, इसलिए हम एक लाइन डाल देंगे। दूसरी आती है इश्यूड कैपिटल, हमने पब्लिक को इश्यू कितने की है, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स डाले, ईच डाला, यहां लिखा और इसके नीचे लाइन डाल दी। लाइन डालने का मतलब इसे हम टोटल में नहीं लेंगे। फिर हमने लिखा सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि हम ये वाला लोगे जो एक्चुअली में वो तो सिर्फ हमने नॉलेज के लिए दिखा दिया। सब्सक्राइब कैपिटल एक्चुअली में पैसा तो हमें सब्सक्राइब कैपिटल से आया है ना, इसलिए हम सिर्फ इसको लेंगे ये सब्सक्राइब। अब इसमें दो चीजें आएंगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, मतलब जिन पे सारा पैसा आ चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट दिस दिस इज, ये है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जिसपे सारा पैसा आ चुका है, जिन्होंने कुछ भी 10 रुपए था तो 10 रुपए पूरे आ चुके हैं, ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है। फिर हम लिखते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, इसमें भी हमने शेयर्स लिखे इतने ईच लिखा और इनर कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये वो शेयर्स हैं जिनमें पूरा पैसा नहीं आया, इसमें से हमने लेस कर दिया कॉल्स इन एरियर्स, ये हमने लेस कर दिया, तो ये फिगर यहां आ गई। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स में लिखते हैं व्हेन शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड। अगर शेयर्स हमने किसी ने कॉल्स इन एरियर्स दिया और हमने उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किए, तो एरियर्स की वजह से अगर फॉरफिट नहीं हुए तो कॉल्स इन एरियर्स में आएंगे, क्योंकि फॉरफिट हो गए तो फॉरफिटर के एंट्री में तो हमने कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट कर ही दिया, समझ रहे हो, तो कभी भी एरियर्स अगर है तो इसका मतलब है कि वो शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए हैं। इस अमाउंट में से हम लेस ऐड करेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्यों आएगा, जब व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, क्योंकि हमने रीइश्यू नहीं किए वो शेयर्स, रीइश्यू नहीं किए इसलिए वो बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स है, क्योंकि अगर रीइश्यू हो जाते तब तो हमने याद है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, तो रीइश्यू नहीं हुए इसलिए वो बैलेंस बचा हुआ है। और ये सब कुछ करके जो वैल्यू यहां आएगी, ये वैल्यू हम यहां लिख देंगे, ये वैल्यू यहां, ठीक है। अब सेकेंड नोट्स टू अकाउंट, सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर कैपिटल में दो ही आइटम आएंगे, कौन कौन सी, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक कैपिटल रिजर्व, ये दो आइटम हम लिखेंगे।
और ये वाला अमाउंट यहाँ चला जाएगा। अब शॉर्टकट तो ये है कि जो इनका टोटल यहाँ आए वो यहाँ भी लिख दो और यहाँ भी लिख दो, मतलब इन दोनों का जो टोटल ये आ रहा है यही सेम यहाँ लिख दो और यही सेम यहाँ लिख दो, ये तो शॉर्टकट है। बट हमने कोई गलती नहीं की, इसके लिए अगर आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस बच जाती है तो आप करना चाहते हैं थोड़ा अच्छा काम, तो पूरी जर्नल एंट्रीज में जो बैंक वाली ट्रांजेक्शन है उनको टोटल कर लीजिए, या अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को दी हुई है तो कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस सीधी, वो बैलेंस सीधी यहाँ पर आ जाएगा, तो वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम है तो जो हमने इतनी मेहनत की है इस मेहनत का फल आपको मीठा मिला, नहीं तो फल खट्टा मिला। समझे? Got it? बैलेंस शीट समझ में आई? नोट डाउन कर लो पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से। Subscribed and not fully paid up में बेटा ये है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने कि मान लो फाइनल कॉल नहीं पे किया है, नहीं वो समझ आ गया इसके नीचे का जब पेड़ पेड़। अच्छा, मैंने कहा कि जो नॉट फुली पेड अप है वो अमाउंट यहाँ लिख दिया, फिर हमने कॉल सिनेरियोस को लेस कर दिया। कॉल सिनेरियोस कौन से होंगे? जो शेयर्स फॉरफिट ही नहीं हुए, अगर वो फॉरफिट नहीं हुए तभी वो कॉल सिनेरियोस में है, क्योंकि अगर वो फॉरफिट हो जाएंगे तब तो वो नीचे आ जाएगी कहानी। वो फॉरफिट नहीं हुए इसीलिए कॉल सिनेरियोस आ रहा है, ठीक है। फिर हमने ऐड किया बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए वो हमने रीइशू नहीं किए। रीइशू कर दिया होता तो वो कैपिटल रिजर्व में आ जाता है, तो यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि ये शेयर्स हैं सब्सक्राइब, इसमें से कुछ तो फुली पेड है और कुछ नॉट फुली पेड है। नॉट फुली पेड में से कुछ तो फॉरफिटेड है और कुछ नॉट फॉरफिटेड है, और जो फॉरफिटेड है उसमें से कुछ रीइश्यूड है और कुछ नॉट रीइश्यूड है। तो जो हमने फॉरफिट नहीं किए वो तो अरियर्स में गया, जो हमने फॉरफिट किए और रीइश्यू भी कर दिए वो कैपिटल रिजर्व में गया, और जो फॉरफिट किए और रीइश्यू नहीं किए वो फॉरफिटेड शेयर्स में गया। ऐसे कहानी चल रही है, ये फ्लो चार्ट चलता है, ये फ्लो चार्ट भी बना लेना, आपको याद रहेंगे इससे, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस।